ऐसे में लाइट्स के भी पार्ट्स बहुत बताया हूँ वीडियो में अपने, मेरे बहुत से वीडियो मैंने डाल रखा है अपने चैनल पर और फेसबुक पेज पर भी, तो इंस्टाग्राम पे भी है बहुत से वीडियो। तो ज्यादातर उसमें आप देखते होंगे कि कुछ क्लासिकल के कायदे टुकड़े रिले जो है वो तो मैं डालता है, उसके साथ लाइट्स के भी काफी जो प्रयोग में आते हैं, जो यूज में आते हैं। तो अब जैसे होता क्या है कि बहुत से ठेके ऐसे हैं जो कैसे बजेंगे, अब गाना चल रहा लाइट का, हमें तो हमने तो किताब से सीखा है धागे नाती नकदी धागे नाती नकदी ऐसे करके हमने सीखा, लेकिन गाने पे जो चलन बज रहे हैं, जो यूज हो रहे हैं, वो समझ में नहीं आता कि वो स्टाइल कैसे बज के, वो चीज कैसे निकल के आ रहा है। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता चल पाता, तो ऐसे बुक भी हमें नहीं दिखते, किताब भी ऐसे नहीं दिखते जिसको कि पढ़कर उसको हम समझ पाए कि वो चीज कैसे बजेगा, वो जो उसमें यूज हो रहा है गाने में ठेका, वो चीज हाथों से कैसे। कुछ ऐसा किताब होता कि ग्रेस का, हम ग्रेस लगाएं, ग्रेस लगाने के बाद किस लाइन पे चिप्पी लगाना है, किस लाइन किस जगह पे खुला ता मारना है, तो इस टाइप से कुछ अगर बुक्स होते तो बजाने में आसान होता, लोगों को आसानी से हो सकता है कुछ समझ पाते लोग, जो जो कि सुनकर नहीं समझ पाते हैं, बहुत से लोग हैं जो सुनकर नहीं एब्जॉर्व कर पा रहे हैं, तो शायद वो देखकर बोलो को पढ़कर भी बजाने की कोशिश कर सकते थे। तो मैं भविष्य में लगा हूं, ऐसा सोच रहा हूं, मेरे मन में है कुछ ऐसे भी बुक लिखे जाए, या मैं खुद लिखने की भी कोशिश कर रहा हूं, करूंगा कि उसको भी पढ़कर वो चीज समझ में आए जो कि प्रयोग में हो रहे हैं, प्रयोग में आते हैं, फिल्म के गाने पे, गजल पे, कवाली पे, वो ठेके बजते, वो स्टाइल क्या पढ़ के बजाया जा सकता है, पढ़कर भी कुछ समझ में आ जाए, ऐसे भी होने चाहिए। कहरवा के वेरिएशन, दादरा के वेरिएशन जो यूज में हो रहे हैं वो वेरिएशन हो, और उसमें क्लियर क्लियर होना चाहिए कि कब हिस्सा लगाना है, कब चिप्पी लगाना है, कब कैसे कितना वजन देना है, ऐसे करके क्लियर है तो काफी कुछ समझ में आ सकता है, हमें जैसा लग रहा है, जैसा मैं फील कर रहा हूँ, आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है भविष्य में मैं एक बुक भी लिखूं आप लोगों के लिए। क्लासिकल के साथ हमें लगता है ये भी पॉइंट बहुत जरूरी है बजाना, जो हमारे प्रयोग में आता है ज्यादातर, जिस समाज से जिसमें बिलोंग करते हैं, भजन कोई गा रहा तो भजन भी हमको बजाना ही पड़ेगा, है ना? तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, जिस सपोज दैट ये ठीक है। अब इसके पास क्या क्या है, कहां ग्रेस दिए, कहां पे हमने चुप्पी लगाया, ऐसा पॉइंट समझ में आना चाहिए, ऐसा कुछ क्लियर कुछ बुक हो जाए तो काफी कुछ समझ में आ सकता है, हमें ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं, भविष्य में कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगे।